तो गाइस अभी ना एक इमरजेंसी वाली सिचुएशन आ गई है। कोई एक बर्ड है, मुझे किसी का फोन आया पास ही में, उन्होंने मुझे अपनी लोकेशन भेजी है, मैं उनके पास जा रहा हूँ। उसको ना कुत्ते मार रहे हैं उस बच्चे को, तो मैं जल्दी से पहले वहां जाता हूँ, फिर वहां पर पूछ कर आपको दिखाता हूँ कि क्या हुआ है और क्या सिचुएशन है। गाइस मैं आ गया हूँ यहाँ। कहाँ है भैया? वो कहाँ पर है? सीधा क्या हुआ? तो एक पेड़ पे उसका घोंसला बना हुआ था। हाँ, उड़ नहीं पा रहा, पता नहीं क्या हुआ है। अच्छा, कुत्ते ना खा गए सुबह से। एक बंदे ने उसकी दो बार मतलब छोड़ दी, उसको गद्दे में रख के पीछे रखी, उसकी उसके पीछे उसको चोंच मार दी। अच्छा, वो मतलब अब उसको बैठा हुआ है, अब स्कूटी पे बैठा हुआ है। चलो मैं देखता हूँ अभी, तो गाइस अभी जाके देखता हूँ मैं क्या दिक्कत हुई है उसे। ठीक होगा तो जल्दी उड़ा देंगे उसे हम, और कुछ दिक्कत हुई होगी तो फिर वो ठीक करके उड़ा देंगे वापस। गाइस अभी दिखाता हूँ मैं आपको, कहाँ गया ये? तो यहीं था, वोरा वोरा उधर है। ये कुत्ते को वहाँ, हाँ तो दिखाता हूँ मैं आपको, मिल गया है मुझे यहाँ पे, और ये उड़ नहीं पा रहा है, अभी बच्चा है क्योंकि। ये रहा, मैं इसको निकाल लेता हूँ अभी फिलहाल, और फिर ठीक करते हैं जल्दी से। ब्लॉक कपड़ा बॉक्स वगैरह है कुछ? हाँ वीडियो में आऊंगा। हाँ भाई बिल्कुल आओगे यार, यही भाई है जिन्होंने मुझे ये बताया था, इन्होंने बहुत देर तक सेव करा है कुत्तों से। आप मुझे वो दे दो, कोई बॉक्स दे दो। ठीक है, बॉक्स आ गया है, कपड़ा भी आ गया, तो मैं इसको पकड़ता हूँ जल्दी से और डालता हूँ फिर इसको, या तो हम किसी शेल्टर में देंगे या फिर देखता हूँ, अगर ये उड़ जाएगा 2-3 दिन के अंदर तो फिर से मैं रिलीज कर दूंगा अपने पास से। तो भाई मैंने अभी इसे कर दिया बंद, घर जाता हूँ मैं, तो थोड़ा बहुत खाना वाना दूंगा इसको और फिर देखूंगा कि उड़ रहा है कि नहीं उड़ रहा है, जो भी हो रहा है, जैसे भी होगा, या फिर अगर इसे शेल्टर में देना होगा किसी शेल्टर में दूंगा, और 4-5 दिन की बात होगी तो मैं रख के इसे वापस रिलीज कर दूंगा। तो मिलते हैं गाइस घर पर। तो गाइस फाइनली मैं घर आ गया हूँ अभी, और मैंने इसके लिए रास्ते में से चिकन खरीद लिया था, क्योंकि इसको खिलाना चिकन ही पड़ेगा हमें। और ये है बच्चा, आप देख रहे होगे मेरा बैकग्राउंड क्लियर हो गया, क्योंकि मेरा आधे से ज़्यादा सामान शिफ्ट हो गया है। अभी रह मैं यही रहा हूँ क्योंकि बर्ड्स यहाँ पर हैं, जब तक बर्ड नहीं जाएंगे तो मैं जा नहीं सकता। अभी इसके लिए कोई केज वगैरह ढूंढना पड़ेगा मुझे, कोई देखते हैं। ये रब कौए का बच्चा है, ये उड़ना सीखा नहीं है अभी, कुछ दिनों में सीख जाएगा। इसको मैं फिर वापस से रिलीज कर दूंगा, इसको खाना वाना देता हूँ मैं थोड़ी देर में। एक मिनट, मैं थक गया हूँ, पैदल पैदल गया था और वहाँ कुछ और भसड़ भी हो गई थी, वो छोड़े वो जो भी हुई थी, लेकिन मैं पैदल पैदल थक गया। अभी मैं आया हूँ, थोड़ी देर रेस्ट करता हूँ 5 मिनट बस, फिर उसके बाद इसको करता हूँ खाना वाना। सो गाइज अभी मुझे थोड़ा सा कोल्ड हो गया है, पता नहीं अभी तो ठीक आया था, शायद मैं आते ही एसी में बैठ गया और गर्मी थी बाहर बहुत, थोड़ा सा कोल्ड हो गया। ये रहा हमारा वो कौवे का बच्चा, वो दूर बैठा हमारा ड्रोगो, देखो कितना गंदा कर दिया ड्रोगो ने। वैसे तो सब सामान खाली कर चुका हूँ मैं, बस ये दोनों केज कल सुबह ले जाऊँगा मैं। अभी हम अपने इस कौवे के बच्चों को खाना देते हैं। मैं इसके लिए चिकन लेके आया था, क्योंकि ऑफ कोर्स ये एक प्रीडेटर बर्ड है तो मीट ही खाएगा, तो मैं चलिए इसको फीड कराता हूँ अभी। पहले इसको ऐसे ही ट्राई करके देता हूँ, क्या पता ये खा ले। आएगा, बहुत डर रहा है, पहली बार कोई फीड है। हाँ 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 ठीक है बेटा, ठीक है हट गया मैं दिया। अरे मुझे तो किसी कटोरी वटोरी में रख के देना पड़ेगा, फिर देखता हूँ ये खाता है नहीं खाता। वैसे तो नहीं, मुझे मुश्किल ही लग रहा है, खाएगा ले, खा ले। अभी थोड़ा कम डर रहा है, मैं ट्राई करता हूँ कुछ। तो गाइस ये रख दिया मैंने इसका खाना, और ये रख दिया इसका ये। आज का व्लॉग गाइस यहीं तक था, मिलते हैं हम कल सुबह, और कल हमारी लिली और पैंथर के बाल कटने हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता वहाँ पे उसके टिक्स हो गए हैं, यहाँ पे मैं नहीं चाहता उस घर में भी आ जाए, तो कल मैं उनको अब दोबारा से नहलाऊंगा, टिक्स की दवाइयाँ वगैरह सब दे के तब उन्हें नए घर में लेके जाऊंगा। तो बेबी बाय बाय, सो जाओ, गुड नाइट, खाना रखा है खा लेना, नहीं तो कल सुबह फिर मैं खिलाऊंगा।